कहानी बता रहे थे, अभी तो एमएलए और एमपी बने हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री बाकी है, भील प्रदेश बनेगा, निश्चित रूप से पहला मुख्यमंत्री ही होगा। पढ़ते हैं कि एकमात्र ऐसा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो थे राणा प्रताप, और इन्हीं वजह से उनको महाराणा प्रताप कहा जाता है। उस समय भीलों ने आश्वासन दिया, जब युद्ध हुआ, युद्ध की तैयारी हुई, अकबर की सेना चढ़ने लगी, वह खलबली मची और महाराणा प्रताप भीलों के बीच में गए, जंगलों में पाले आई, वहां पर पाल बोलते हमारे, आप भी वहीं से आए हो, पाले में गए, पालों में बात हुई कि हम आश्वासन देते हैं राणा जी कि हम झुकेंगे नहीं, कट जाएंगे, आगे हम खड़े रहेंगे, वचन दिया था। और ये समाज वचन का इतना पक्का है, मर जाएगा लेकिन वचन से पलटता नहीं है। तो आज मुझे आप भी वचन दो कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे और समाज की लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहेंगे, ये वचन दो आज मुझे, क्योंकि महाराणा प्रताप को भी भीलों ने वचन दिया था।